सुनिए, चलिए। अरे ये क्या पहन कर आई हूँ? अपने हाथ देखिए, इसमें आपका पूरा शरीर दिख रहा है। मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे? जाइए जाकर कपड़े बदल कर आइए। माफ कीजिएगा, मैं अभी बदल कर आती हूँ। अब ठीक है क्या? नहीं, हमें अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। रुकिए, हम चेक करते हैं। हाथ दिखाइए। अभी भी पूरी की पूरी गड़बड़ है। इसमें आपका पूरा शरीर दिख रहा है। हमें ही कुछ करना होगा। अब चलिए, आप बिल्कुल सही हैं। हर बार लेट कराती है, हर बार। चलो, आई एम रेडी। अरे ये क्या है? कपड़े? और क्या, दिख नहीं रहा क्या? दिख ही तो नहीं रहा है। ऐसे पुराने जमाने के कपड़े पहनकर चलोगी तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि गांव की लड़की को डेट कर रहा है? जाओ जाकर चेंज करके आओ। ओहो चलो ठीक है, मैं अभी कुछ और ट्राई करके आती हूँ। अब सही है? अरे यार क्या कर रही हो, क्या सही है? इतने बड़े बड़े कपड़े कौन पहनता है? ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी बेडशीट पहन ली है। जाओ जाकर चेंज करके आओ। ओहो तुम्हें ये भी पसंद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कैसा लग रहा है? अब लगी हो तुम मस्त, यही ड्रेस खिल रही है तुम्हारे ऊपर। अरे नहीं, ये इसके ऊपर पहनते हैं, ये तो नीचे वाले कपड़े हैं। अरे बेबी इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसके बिना ही तुम कैटरीना कैफ लग रही हो। चलो अब मेरे दोस्त भी खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। बेटा ये तस्वीर देखो, ये लड़का आया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। पिताजी आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, वैसे तुम्हें रिश्ता पक्का कर चुका, बस तुम्हें यूं ही दिखा रहा था। संजाली का बेटा ये देखो, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। कैसा लड़का, बढ़िया है ना? डैड हाउ कैन आई गेट मैरिड टू हिम? आपने इसकी शक्ल देखी है? आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते इससे? बेटा तुम्हारी उम्र के जितने बच्चे हैं सबकी शादी हो गई, और कुछ के तो बच्चे भी हो गए, तो बेटर यही है कि तुम शादी कर लो, तुम अब सेटल हो जाओ। बहन अब तू ही बता इनसे बचने का कोई तरीका। तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर होता तो मैं ऐसी सिचुएशन में कहां फंसती। नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। चल ठीक है, एक काम कर, अपना फोन दे। ये ले। तू क्या कर रही है मेरे फोन में? डाउनलोडिंग हैपन। हैपन? ये क्या है? हैपन तुझे हेल्प करेगा नए नए लोगों से कनेक्ट करने के लिए। ये देख इतने क्यूट बॉयज है अपनी सिटी के और 90 किलोमीटर रेडियस पे। अगर तूने किसी को पसंद करा और तूने उसे लाइक करा और उसने भी तुझे लाइक करा तो ये क्रश हो जाएगा, और फिर तुम दोनों बात भी कर सकते हो। ला दिखा। ये लड़का कितना क्यूट लग रहा है ना, इसको भेजती हूँ।
बेटा मैंने शादी की सारी तैयारियां कर दी। नो डैड आई एम सॉरी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। बॉयफ्रेंड? अरे हाँ पापा, देखो आप भी दी के लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे और दी ने भी इतना अच्छा लड़का ढूंढ दिया, अब प्रॉब्लम सॉल्व, जस्ट चिल। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। कोई बात नहीं पापा, लव यू बॉयफ्रेंड। जी सुनिए जी, कहिए। आज आपका जन्मदिन है, बताइए आपको क्या तोहफा चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका प्यार चाहिए। ओए माँ। जरा अपनी आंखें तो बंद कीजिए। जरा इधर देखिए और अपनी आंखें खोलिए, ये आपके लिए लाए हैं। अरे वाह, मेरा पसंदीदा गुलाब का फूल। जी जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया इतना कीमती तोहफा देने के लिए। अजी आपका जन्मदिन है, कीमती तोहफा तो बनता ही था ना। Surprise! Happy birthday! Oh my God! Wow! Thank you for this lovely surprise. This is so beautiful. बैठो ना। अब बताओ बेबी तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे सबसे महंगा गिफ्ट चाहिए। मुझे पता था तुम सबसे महंगे गिफ्ट की डिमांड करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ। मुझे इससे भी महंगा गिफ्ट चाहिए। मुझे पता था तुम इससे भी महंगे गिफ्ट की डिमांड करोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू कार लेकर आया हूँ। मुझे इससे भी महंगा गिफ्ट चाहिए। बेबी इससे महंगा गिफ्ट कौन सा होता है? तुम्हारे फोन का पासवर्ड। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। मेरी प्यारी प्रियतम, दिनांक 20 फरवरी यानी के 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के 6 दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ निजामुद्दीन पार्क में। मैं तुम्हारा वहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा बज्जू। अब ये चिट्ठी कल सुबह डाकिया को देकर आऊंगा। आज उनका खत आ ही गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। जल्दी से खोल के पढ़ लेती हूँ। मेरी प्यारी प्रियतम, दिनांक 20 फरवरी यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के 6 दिनों बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा निजामुद्दीन पार्क में इंतजार करूंगा। तुम्हारा प्रिय बज्जू। परंतु 20 फरवरी को तो गए हुए भी 20 दिन हो गए हैं, यानी मुझे ये खत बहुत लेट मिला। मेरी प्यारी प्रियतम, तुम 20 फरवरी को मुझसे मिलने नहीं आई, मैंने तुम्हारा पूरे दिन इंतजार किया। अब हम 15 मार्च को मिलेंगे। तुम्हारा प्यारा बज्जू। अरे यार कहाँ रहेगी? हेलो, अरे यार कहाँ रह गई, कितनी देर में आ रही हो? इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ। हाँ बस आधे घंटे में आ रही हूँ। अरे यार ठीक है, वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कर दिया ना ब्लॉक, अब आराम से सोऊंगी।
नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एक काम करता हूँ, दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ। ये नंबर ब्लॉक कर दिया। मैसेज करता हूँ। ये ले फोन, इस फोन को तू अपने घर ही ले जाना, सोने मत दियो मुझे। अरे बेबी, पर तुमने बोला था आधे घंटे में आऊंगी और तुम आ नहीं रही थी, सिर्फ इसीलिए कॉल कर रहा था। आधे घंटे में 50 बार कॉल कर चुका है तू मुझे। मेरे साथ से घर वालों की भी नींद खराब कर रखी है। जा, चला जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे बेबी, बोला ना वो सो रही है, आधे घंटे में 50 बार कॉल कर चुका है, डिस्टर्ब मत कर उसे, सोने दे। प्रिय, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, आप इधर रुकिए, हम आते हैं कुछ बंदोबस्त करके। आप ठीक हैं? नहीं, अभी भी गर्मी लग रही है। अभी भी गर्मी लग रही है, रुकिए। अब ठीक है? नहीं, अभी भी गर्मी लग रही है। अभी भी गर्मी लग रही है, तो जरा सब्र करिए, हम बाजार से आपके लिए एक नया पंखा लेकर आते हैं, इतने आप इससे काम चलाइए। क्या हुआ बेबी, गर्मी लग रही है? हाँ बेबी। रुको, मैं फैन ऑन कर देता हूँ। बेबी अभी भी गर्मी लग रही है। अभी भी गर्मी लग रही है, रुको बेबी मैं एसी ऑन कर देता हूँ। मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। ओ हेलो, तुझे गर्मी नहीं लग रही, तुझे बुखार हो रखा है, एक काम कर, जाके डॉक्टर के पास अपना इलाज करा। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संझाली का व्लॉग। और गाइस, अगर आप लोग भी क्यूट क्यूट बॉयज एंड गर्ल्स से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें हैपन ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय।